हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का करंट अफेयर्स। तो पार्ट वन में हमने बहुत सारा करंट अफेयर्स से डिस्कस कर लिया था, एंड पार्ट टू में हम जो आगे का करंट अफेयर्स है पूरे वीक का वो कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी सेशन में मतलब वो कवर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 वीडियो या 4 वीडियो बहुत ज़्यादा बोर्डम हो जाता है ना। वीकली करंट अफेयर्स के लिए 2 वीडियो इज इनफ है ना, 2 से 2.5 वीडियो 3 वीडियो इज इनफ, ठीक है। बट कोशिश करनी चाहिए कि 2 वीडियो में जो है हमारा जो सारा कंटेंट है वो आ जाए, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े कि वीडियोज को है ना, कि 3 वीडियोज देख रहे हैं 40-40 मिनट के है ना, 2 घंटे सिर्फ करंट अफेयर्स है ना। वैसे 2 घंटे भी बर्थ है वीकली करंट अफेयर्स के लिए, बट हमारी कोशिश है कि आपको कम से कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो पहुँचाया जाए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको 2 वीडियोज में कवर करने की। ये हमारा पार्ट टू है, इसको हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एक हमारा बैंक है, प्राइवेट बैंक साउथ इंडियन बैंक, तो साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO, ठीक है, चुना गया है नया। तो किस पर्सन को साउथ इंडियन बैंक का नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है? हाल ही में किस व्यक्ति को साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये हैं मिस्टर PR शेषाद्री। मिस्टर PR शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, PM यशस्वी स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना स्कीम है ना। PM यशस्वी स्कीम, ठीक है। हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए इस स्कीम का ऐलान किया कि भाई ये स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी। क्या है ये स्कीम? तो इसके बारे में बताया गया कि भाई ये स्कीम ऐसे स्टूडेंट को जो 9th, 10th, 11th या 12th में पढ़ते हैं है ना, और बहुत गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है, जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए इस स्कीम को बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो होनहार हैं, यशस्वी हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट पैसे की कमी के कारण वो अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे छात्रों को जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान कर की जाए, ताकि वो अच्छी बुक्स, अच्छे ट्यूटर वगैरह अफोर्ड कर पाएँ अपने लिए, तो उनके लिए की गई है। तो इस स्कीम के लिए जो मेन जो छात्र हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से लिए गए। तो जिन कैटेगरीज के लिए इस जिन कैटेगरी के छात्रों के लिए इस स्कीम को खोला गया है, जिस स्कीम को शुरू किया गया है, तो वो इस कैटेगरीज हैं OBC, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट, SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि शेड्यूल कास्ट OBC ST के ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको एक छात्रवृत्ति, एक स्कॉलरशिप दे के, ठीक है, उनकी पढ़ाई को आसान बनाना, ठीक है। अब क्या OBC, SC, ST के सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप स्कीम को ले सकेंगे? जी नहीं, तो ऐसा नहीं है। इस स्कीम के लिए, इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए इन बच्चों को एक टेस्ट से गुजरना होगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट का एग्ज़ाम भी कराती है ना, नीट का एग्ज़ाम कराने वाली जो NT नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है,
उसके द्वारा एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उस टेस्ट में ये ओबीसी एससी एसटी के बच्चे बैठेंगे। इन बच्चों में से जो उस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, उन्हीं को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत दो तरह की वित्तीय सहायता रखी गई है, एक 9th-10th के बच्चों के लिए और एक 11th-12th के बच्चों के लिए। तो इस स्कीम के तहत 9th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 9th और 10th, ठीक है, दोनों में 75,000 रुपये पर मंथ, सॉरी पर ईयर, है ना, एक साल में, यानी कि 9th के लिए 75,000 रुपये, 10th के लिए 75,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, कुल मिला के 1.5 लाख रुपये मिलेगा। और 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 11th और 12th दो सालों के लिए 11th और 12th के लिए 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 यानी कि 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई बहुत आसानी से कर पाएँ। तो ये है PMSSC स्कीम। और इस स्कीम को जो लागू करने वाला जो एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो PMSSC स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पहला ऑप्शन दे के रखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भाई मार के आएंगे। ठीक है, बट इसको लागू करने वाली जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, याद रखेंगे। तो PMSSC स्कीम के बारे में नेसेसरी जानकारी। ठीक है, कौन सा मंत्रालय लॉन्च कर रहा है इसको? सामाजिक न्याय, न्याय एवं अधिकारिता, अधिकारिता मंत्रालय, कार्ता मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस स्कीम को लागू किया जा रहा है। और ये स्कीम किस बच्चों के लिए है? श्रेणी, ठीक है, किस श्रेणी, किस वर्ग के बच्चों के लिए? तो ऐसे बच्चे जो ओबीसी, एससी या एसटी से आते हैं, उन बच्चों के लिए स्कीम है। अब सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, को कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित टेस्ट के माध्यम से, चुने जाएंगे बच्चे। और जो चुने जाएंगे उनको दो तरह की स्कॉलरशिप मिलेगी, 11th के लेवल पे और 9th के लेवल पे। जब 9th की बात करेंगे तो 9th और 10th, 11th की बात करेंगे तो 11th और 12th। तो 9th के बच्चों के लिए क्या मिलेगा? 75,000 रुपये प्रतिवर्ष। ठीक है, और 11th के बच्चों के लिए क्या मिलेगा बच्चों? 11th के बच्चों के लिए मिलेगा 1,25,000 प्रतिवर्ष, हर वर्ष। ठीक है, तो ये है आपकी PMSSC स्कीम। ठीक है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, पूछा जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट।
चलिए नेक्स्ट। एशियन हॉकी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, इसका आयोजन हुआ। तीन चीज़ें इसके बारे में जो मेनली है हमें जाननी है, होस्ट कौन था, विनर कौन था और रनर कौन था। ठीक है, होस्ट मतलब जिसने मेजबानी करी, जिसने आयोजित कराया, और विनर कौन जो जीता, रनर अप कौन जो हारा। ठीक है, तो होस्ट किसने किया था, इसको इंडिया ने किया था इस बार। इस साल का जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप है उसको इंडिया ने होस्ट किया था। विनर कौन है, इंडिया है, और इंडिया ने किसको हराया, मलेशिया को हराया। ठीक है, मलेशिया को हराया। ठीक है, तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप याद रखेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट, सऊदी अरबिया का फुटबॉल क्लब है। ठीक है, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ उन्हें, जो फुटबॉल है ना वो दो लेवल पे खेली जाती है। पहला लेवल जो होता है वो कंट्री लेवल होता है, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें अर्जेंटीना की टीम भी खेली थी, उसमें फ्रांस की टीम भी खेली थी, उसमें पुर्तगाल की टीम भी खेली थी, उसमें है ना स्पेन की टीम भी खेली थी, है ना। दूसरा फुटबॉल जो होता है वो होता है क्लब फुटबॉल, है ना, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, फुटबॉल क्लब्स हैं। ठीक है, ये आपस में खेलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो कंट्री हैं ना उन्होंने फुटबॉल क्लब बना के रखे हैं, उन फुटबॉल क्लब में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से खिलाड़ी आते हैं, खेलते हैं। इसी तरह सऊदी अरबिया ने भी अपना नया फुटबॉल क्लब बनाया है हाल ही में। ठीक है, और उसमें वो बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनको है ना कॉन्ट्रैक्ट करके भारी पैसा पे करके उनको उसमें शामिल कर रहा है। तो अभी हाल ही में जो सऊदी अरबिया फुटबॉल क्लब है उसने क्या किया, उसने अपने फुटबॉल क्लब में एक फुटबॉलर है, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर, उनको शामिल किया। ठीक है, तो क्या नाम है उनका, ठीक है, देखो हाल ही में किस फुटबॉलर ने सऊदी अरबिया का, सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब, सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब अल हिलाल ज्वाइन किया है अल हिलाल ज्वाइन किया है। ठीक है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है नेमार जूनियर ने हाल ही में जो सऊदी अरबियन फुटबॉल क्लब है उसको ज्वाइन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक इंडियन एथलीट है, धावक हैं, ठीक है, और इनका खुद का नेशनल रिकॉर्ड है, ये खुद का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। तो अभी हाल ही में इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया कुछ ऐसे पदार्थों को लेने के कारण जो एक एथलीट को नहीं लेने चाहिए। ठीक है, कुल मिला के डोपिंग टेस्ट में फंस गई और 4 साल के लिए बैन हो गई। ठीक है, तो किस धाविका को, किस एथलीट को हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है। ठीक है, किसको लगाया गया 4 साल का प्रतिबंध। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को 12वें टेस्ट में फेल होने के कारण चार साल के लिए चार
साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। किया गया है, ठीक है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है द्युति चंद। द्युति चंद को 4 साल का बैन लगाया गया है इनके कुछ ऐसे पदार्थ लेने के कारण जो इन्हें नहीं लेने चाहिए, ठीक है। चलो नोट कर लो ऐसे। चलो ठीक है। मॉनसून एक पुस्तक है, ठीक है, जिसमें भारतीय मॉनसून के बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया गया, और उस पुस्तक को नाम भी मॉनसून दिया गया है ना। मॉनसून के की क्या क्या संभावनाएं हैं, मॉनसून कैसे बनता है, कैसे आईटी से सीजड़ ऊपर जाती है, तो ज्योग्राफी के ऊपर एक विस्तृत किताब लिखी गई है। तो इस किताब के लेखक कौन है, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानसून के लेखक कौन हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मॉनसून नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो इनका नाम है मिस्टर अभय के, ठीक है, अभय के। कवियों के नाम ऐसे ही होते हैं, अभय के, है ना, अकबर मलिहाबादी, जोश खलीलाबादी, ऐसे ऐसे नाम के हैं ये जो है जो हमारे यहाँ लेखक हैं वो होते हैं। तो इनका नाम अभय के है, ठीक है। चलो अभी हाल ही में संपन्न हुआ हमारे विश्व के फुटबॉल इतिहास का पहला फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है, पहला फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। तो 3 चीज़ें जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है, कि किस कंट्री ने इसको होस्ट किया, दूसरा किस कंट्री ने इसको जीता है, और कौन सा कंट्री फाइनल में हारा, ठीक है, यानी कि होस्ट, विनर और रनर, ठीक है। प्रथम फीफा महिला विश्व कप, ठीक है। 3 चीज़ें, मेजबान देश, जिस देश ने इसको होस्ट किया, ठीक है, दूसरा विजेता, तीसरा उपविजेता, ठीक है। मेजबान देश, विजेता और उपविजेता, ठीक है। प्रथम फीफा महिला विश्व कप 2023 और लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो किस देश ने प्रथम महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी करी, तो ये जो जिस देश में आयोजित हुआ है उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। किस देश ने इसको जीता है, तो
स्पेन ने इसे जीता है, ठीक है, और कौन उप विजेता रहा है यानी कौन फाइनल में हारा है, तो इंग्लैंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पहला फीफा है, ठीक है। तो मेजबान देश कौन है भाई, मेजबान देश है आपका ऑस्ट्रेलिया, विजेता कौन है, विजेता आपका स्पेन है, और उप विजेता कौन है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड को स्पेन ने 1-0 से हराया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि हमारे इंडिया में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है यानी कि फीफा विश्व कप किस चैनल पर दिखाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डीडी स्पोर्ट्स, ठीक है, डीडी स्पोर्ट्स पर दिखाया गया। चलो इसको नोट कर लो एक बार आप। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम की घोषणा करी, ठीक है, जिस स्कीम का नाम है लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी स्कीम, ठीक है, क्या है ये लखपति दीदी स्कीम? तो लखपति दीदी स्कीम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्लान है कि 2 करोड़ महिलाओं का, कम से कम 2 करोड़ महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, ठीक है। महिलाओं की समस्या क्या है हमारे यहाँ पे, महिलाओं की समस्या ये है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब गांव खेड़े की अगर आप चले जाओ तो, अब तो महिलाएं काफ़ी पढ़ रही हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो महिलाएं हैं जो गृहस्थ जीवन जी रही हैं, हाउस वाइफ बन के जी रही हैं, उनकी समस्या ये है कि वो अगर काम करना भी चाहती हैं तो नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई देखो अब पढ़ा लिखा तो सकते नहीं है ना, कि किसी महिला को जो शादीशुदा है ना, या बहुत गरीब बैकग्राउंड से आती है, उसको क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 10 या ग्रेजुएशन कराओ, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग 12-13 साल, इतना टाइम थोड़ा ना है। तो दूसरा तरीका है महिला को काम करने योग्य बनाने का, एक तो एजुकेशन महिला को काम करने योग्य बनाती है, दूसरा अगर आप उसको एजुकेशन नहीं दे पाए हो, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाए हो, तो कम आप उसका स्किल डेवलपमेंट कर दो, यानी कि आप उससे पूछो क्या करना चाहते हो, ठीक है। अगर वो कहती है कि मेरा एक्सपर्टीज रेसिपी बनाने में है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाने में है, ठीक है, तो आप जो बहुत सारे शेफ़ हैं संजीव कपूर वगैरह है ना, इनको जिम्मेदारी दो कि इसको और अच्छा खाना बनाना सिखाओ, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, जब वो अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी तो अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाएगी तो उसको हाथों हाथ नौकरी मिल जाएगी, यानी कि 5-6 महीने के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है, वो महिला एक 15-20 हज़ार की नौकरी की मालकिन हो गई, ठीक है। तो कितना अच्छा प्लान है कि भाई स्किल डेवलपमेंट कर दो। तो लखपति दीदी स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है 2 करोड़ महिलाओं का, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है, जिस फील्ड में वो चाहती हैं, रिसेप्शनिस्ट बनना चाहती है तो रिसेप्शनिस्ट की स्किल सिखाओ, MR बनना चाहती हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती हैं तो वो स्किल सिखाओ, जो वो करना चाहती हैं वो स्किल सिखाओ, ताकि वो जाके कहीं ना कहीं अपनी जो नौकरी है कर सके और अपने हस्बैंड का हाथ बटा सके, अपने घर की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने में, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, ठीक है। तो लखपति दीदी स्कीम ये है।
क्या है इस स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत क्या कर रखा गया है, 2 करोड़ महिलाओं महिलाओं के कौशल, कौशल मतलब स्किल, कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है, रखा गया है। तो कितनी महिलाओं का, 2 करोड़। आपसे यही पूछा जाएगा लखपति दीदी स्कीम के अंदर कितने महिलाओं को के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका आंसर होगा 2 करोड़ महिलाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है बच्चों? ठीक है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है? पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा कौन थे? ठीक है, वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, हर चीज़ में एक्सपर्टीज है ना, फर्नीचर की बात कर लो, आर्किटेक्चर की बात कर लो, सब चीज़ में इनका क्या होता था, एक्सपर्टीज होता था, है ना। तो विश्वकर्मा स्कीम भी ऐसे ही लोगों से डेडिकेटेड है, ऐसे लोग जो परंपरागत कलाओं में निपुण हैं, ठीक है, या फिर जिन्हें अपना परंपरागत काम आता है, जैसे कुम्हार। ठीक है, कुम्हार क्या करता है, बर्तन बनाता है। ठीक है, अब कुम्हार का बेटा बचपन से वो चीज़ सीखता आ रहा है, तो क्या होता है, उसकी भी उसमें एक्सपर्टीज हो जाती है। ठीक है, बट आजकल मशीन का ज़माना है, है ना, मशीन के ज़माने में क्या होता है कि चाइनीज़ दिए आ रहे हैं, ठीक है, और चाइनीज़ झालरें आ रही हैं, जैसे कुम्हार की जो भूमिका है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि एक तो मशीन से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, दूसरा मशीन से परफेक्शन बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो यही परफेक्शन इन परंपरागत कारीगरों के अंदर लाने के लिए, ठीक है, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा इसी स्कीम के अंतर्गत, जिसके तहत लगभग 15,000 लोगों को, जो 15,000 लोग हैं उनको कौशल विकास किया जाएगा। मान लो कोई कुम्हार है, ठीक है, तो उसको बर्तन, उसके बर्तन बनाने की कला को और ज़्यादा निपुण किया जाएगा, उसको नई नई मशीनों के बारे में बताया जाएगा कि देखो ये मशीन भी हम ले सकते हैं, इससे है ना हम तेज़ी से बर्तन बना सकते हैं या बहुत अच्छे बर्तन बना सकते हैं। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट करने के बाद सरकार इसी स्कीम के तहत उन परंपरागत कारीगरों को 10,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये, कितने, 10,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का जो गारंटी मुक्त लोन है वो प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो परंपरागत कारीगर क्या कर सकें, अपना कोई काम वगैरह शुरू कर सकें। ठीक है, तो समझ में आया पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है, लक्ष्य क्या है, परंपरागत कारीगरों का कौशल विकास, परंपरागत कारीगरों का कौशल विकास। ठीक है, और क्या है, परंपरागत कारीगरों के कौशल विकास के उपरांत उन्हें अपना कार्य शुरू करने हेतु दस हज़ार रुपये से दस लाख रुपये तक का लोन, 10,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराना,
लोन उपलब्ध कराना, ये परंपरा, ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। प्रबल ये क्या है, ठीक है, प्रबल क्या है, जो है इंडिया की एक लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, ठीक है, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया 18 अगस्त को, ठीक है। तो क्या है प्रबल, इंडिया की लॉन्ग रेंज, ठीक है, लंबी दूरी की रिवॉल्वर, लंबी दूरी तक मार करने वाली रिवॉल्वर है, ठीक है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। यह भारत की पहली लंबी दूरी तक मार करने वाली वाली रिवॉल्वर रिवॉल्वर है, भारत की पहली लंबी दूरी तक मार करने वाली रिवॉल्वर है, जिसे 18 अगस्त को लॉन्च किया गया है, किया गया है, ठीक है। सेकंड, हेरोन हेरोन मार्क टू, हेरोन मार्क टू क्या है, ठीक है। तो हेरोन मार्क टू एक ड्रोन है, जिसे हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपने बेड़े में शामिल किया। तो एक ड्रोन है जो सर्वलांस ड्रोन है, मेनली सर्वलांस करने के काम आता है, और इसे बनाया गया है इज़राइल के द्वारा, ठीक है। तो इज़राइल के द्वारा बनाया गया दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ड्रोन्स में से एक है, ठीक है। यह एक खुफिया सर्वेक्षण ड्रोन है, ड्रोन है, यह एक खुफिया सर्वेक्षण ड्रोन है, यह एक खुफिया सर्वेक्षण ड्रोन है, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया, शामिल किया गया है, इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है, ठीक है। इसे किसने बनाया है, इसे इज़राइल द्वारा बनाया एवं विकसित किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है। तो हेरोन मार्क टू याद रखेंगे, हेरोन मार्क टू क्या है, प्रबल क्या है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में अभी जो रूस है उसने अपना चंद्रयान है वो लॉन्च किया, चंद्र मिशन लॉन्च किया, क्या नाम है, हाल ही में में
रूस द्वारा प्रक्षेपित चंद्र मिशन ठीक है। इसका नाम क्या है चंद्र मिशन का? लूना 25 जैसे हमारा चंद्रयान 3 था, है ना, चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है हमारा, ठीक है। ऐसे ही रूस ने क्या लॉन्च किया है? लूना 25, यानी कि लूना का 25वां मिशन है ये, मतलब चंद्र पे। लूना 24 सेफली वहाँ लैंड कर चुका है, ठीक है। बट साउथ पोल पे क्या है? साउथ पोल पे रूस का ये पहला मिशन है, चंद्रमा के साउथ पोल पर रूस का पहला मिशन है, ठीक है। अगर ये चंद्रमा पर चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाता है, ठीक है, और सेफली लैंड कर जाता है, तो रूस बन जाएगा चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट। विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है बच्चों 12 अगस्त को मनाया गया था, 12 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये डे। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 12 अगस्त को, ठीक है। यूथ क्या होते हैं? किसी देश के फ्यूचर होते हैं, तो इस यूथ को सही दिशा दिखाने के लिए, ऐसी अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। चलो नेक्स्ट। विश्व अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस 13 दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ लोगों को मतलब मोटिवेट किया जाता है कि भाई आपकी डेथ के बाद आपके ऑर्गन किसी काम के नहीं हैं आपके, बट वो किसी और के काम के हो सकते हैं जिसे उसकी ज़रूरत है, है ना। एक आँखों से जन्म से अंधा व्यक्ति, है ना, या किसी एक्सीडेंट में, है ना, अपनी आँख खोया हुआ व्यक्ति, है ना, आपकी आँखें उसके काम आ सकती हैं, ठीक है। आपकी आँखें आपके किसी काम की नहीं डेथ के बाद, लेकिन आपकी आँखें किसी और के काम आ सकती है। तो ऐसे ही लोगों को अंगदान करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हर 13 अगस्त को ये क्या मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, पाइवोट लास्ट हमारा, पाइवोट क्या है? ये बना है पायलट और रोबोट से, ठीक है। रोबोट का बोट लेके, पायलट का पाई लेके बनाया गया है ये पाइवोट, ठीक है। यानी कि एक ऐसा रोबोट डेवलप किया गया है जो प्लेन को सेफली, सिविलियन प्लेन को सेफली उड़ा सके, ठीक है। तो किस देश ने इसको विकसित किया है? तो हाल ही में इसको विकसित करने वाला जो देश है वो है दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो नोट कर लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो ये रहा आपका 11 से 20 अगस्त तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स, ठीक है।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 20 से 27 या 20 से 30 जो भी होगा करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए अपना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।